New Hope TV, your encounter with God. Okay, let me go to the second one. खैर चलिए हम जाते हैं दूसरे मुद्दे पर. चलिए let's turn to Luke chapter 1 and verse 30 right now. और चलिए निकालेंगे इस समय लुका का पहला अध्याय उसका 30वां वचन. And then it says, then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." और फिर आगे वचन में ऐसा लिखा है, स्वर्ग दूत ने मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. Do not be afraid. मत डर. For you have found favor with God. परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. You see this favor of God operating in your life on a regular basis. देखिए जब आप परमेश्वर की इस भलाई को अपने जिंदगी में नियमित तौर पे होता हुआ देखते हैं, you will gain confidence. आपके अंदर एक साहस और हियाव आएगा. And you, that fear will leave your life. और आपके जीवन से वो डर निकल जाएगा. You know that something good will happen. और आपको भली भांति ये पता चल जाएगा कुछ तो अच्छा होगा. It is not just like one testimony in one year. No. और ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि एक साल भर में बस आपकी एक गवाही आती है. नहीं नहीं. Praise God, some chika chika small testimony. प्रभु की स्तुति हो, कोई छोटी बस गवाही आ गई. No, it, the favor of God will just manifest in your life on a regular basis. It will drive away fear and discouragement from your life in the name of Jesus. देखिए परमेश्वर की भलाई जब आपके जिंदगी में नियमित तौर पे बनी रहती है, तो ये आपके अंदर से डर और मायूसी को निकाल के रख देगी यीशु के नाम में. Lift your hands in the name of Jesus. चलिए अपने हाथ उठाकर बोलेंगे यीशु के नाम में. God's favor is upon my life. परमेश्वर की भलाई मेरे जिंदगी पर है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. God's favor is upon the work of my hands. परमेश्वर की भलाई मेरे हाथों के कामों पर है. Somebody lift your hands and say, I receive it right now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे, मैं ग्रहण करता हूं अभी. I want you to understand this truth. और चाहते हैं कि अभी सच्चाई को समझें. The fear will leave you. डर आप में से निकल जाएगा. Discouragement will leave you. मायूसी आप में से निकल जाएगी. The frustration will leave you. हताशाएं चली जाएंगी. That's what the message is from heaven today. Do not be afraid, Mary. Why? Why shouldn't I be afraid? Why shouldn't I be discouraged? Because the favor of God is shining upon you. और यही तो आज स्वर से आ रहा संदेश है कि हे मरियम भयभीत ना हो. क्यों मैं भयभीत ना हूं? क्यों मैं मायूस ना हूं? देखो आगे वचन में लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. The third point. तीसरा मुद्दा. Let me go deeper right now. चलिए जाते हैं और थोड़ा गहराई. Go to Luke 2:52. चलिए निकाल लुका का दूसरा अध्याय 52वां वचन. Some people know this by memory. They just know this scripture, you know. और कुछ लोगों को देखो ये वचन जो है मुंह ज़बानी उन्हें याद है. Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. लुका का दूसरा अध्याय उसके 52वें वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया. Now Jesus increased in wisdom. और हम देखिए यहाँ पे देखते हैं कि यीशु बुद्धि में बढ़ा. The third thing. तीसरी चीज़. Whenever you walk in wisdom, जब कभी आप बुद्धि में चलते हैं, you will find favor with God and man. आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ भलाई को पाएंगे. Nobody wants a stupid person around. और देखिए कोई भी बेवकूफ या मूर्ख व्यक्ति को अपने आसपास नहीं चाहता. I'm seriously telling you. और आपसे गंभीरता से कह रहा हूं. You know why people fall out of favor? Because they don't walk in wisdom. और क्यों लोग भलाई से चूक जाते हैं? क्योंकि देखिए वो बुद्धि में नहीं चलते. When you do something well, when you walk in the wisdom, when you follow the principles, you see people see you, notice you. Oh, this man, this woman is walking in the wisdom of God. Immediately the favor of God will come upon you. देखिए जब कोई चीज आप अच्छे से करते हैं, श्रेष्ठता से करते हैं, आप बुद्धिमानी में चलते हैं, तो आपके आसपास के लोग जो हैं, वो आपके ऊपर गौर करेंगे और कहेंगे कि ये तो बुद्धिमानी वाला व्यक्ति है और बुद्धि में चलता है. तो अचानक देखिए तुरंत ही भलाई आपके पीछे आने लगेगी. Yes. जी हाँ. Look at David's life. दाऊद की जिंदगी पर गौर. Whenever I go to Israel, you know, I'll see somebody on, you know, hill with a few sheep. I would always meditate. I say, that's David. Okay. और देखिए जब कभी पासवान जी इज़राइल में जाते हैं और वहाँ पर पहाड़ या टीलों पर भेड़ बकरियों के साथ वहाँ पे चराते हुए देखते हैं, तो और सोचते हैं कि इसी तरह से दाऊद भी चल रहा था. Yes. And I say, oh, it's so, there are mountain far away. Nobody is even looking at them. और वे पहाड़ इतने कोसों दूर और किसी की भी नजर उन पर नहीं जाती थी. One fellow sitting with the sheep. और एक व्यक्ति बैठा है भेड़ों के. You know, that was somebody like David. और एक व्यक्ति वहाँ पर भेड़ों के साथ बैठा हुआ. देखिए यही तो दाऊद के समान ही कोई व्यक्ति. And imagine now that man from that wilderness, गांव का छोकरा, or you know, village boy, is taken and put in the palace. Please listen to this. और गौर करें कि वहाँ उस रेगिस्तान में से उस गांव के छोकरे को उठाकर परमेश्वर राजमहल में पहुँचाते हैं. सोचिए इसके बारे में. Please understand this. अब समझिए इसे. The Bible says, and David walked wisely in all his ways. और बाइबल ऐसा कहती कि दाऊद अपने सभी कामों में बुद्धिमानी के साथ चला. It's not about talent. और ये गुणों के बारे में नहीं. It's not about ability. और ये प्रतिभाओं के बारे में भी नहीं. Walking in wisdom. ये बुद्धिमानी में चलना है. Ability and talent must marry wisdom. और गुण और प्रतिभा जो है दोनों बुद्धिमानी के साथ मिलजुल करना चाहिए. Knowledge must marry wisdom, otherwise knowledge will be a disaster. और देखिए ज्ञान का बुद्धिमानी के साथ जुड़ना जरूरी है, नहीं तो वो ज्ञान तबाही को लाएगा. You see, there is a lot of knowledge in this world.
और देखिए इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञान है बट व्हाट इज मिसिंग इज विजडम लेकिन किस चीज की कमी है वह है बुद्धि पीपल नो सो मेनी थिंग्स और लोगों को बहुत सारी चीजें पता है दे कैन सी इनटू द सेल दे कैन सी थाउजेंड्स ऑफ यू नो माइक्रोन्स दे कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस एंड थिंग्स लाइक दैट बट दे कैन नॉट सी द कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ देयर ब्रदर्स ऑफ देयर सिस्टर्स अराउंड देम व्हिच दे कैन सी विद देयर नेकेड आईज देखिए लोग इतने काबिल हो गए हैं कि वो वायरस के अंदर और जो भी छोटे छोटे कीटाणु उनके अंदर पूरी तरह झांक कर देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है लेकिन उनके आसपास उनके माता पिता उनके भाई बहन उन्हें उनके खुली आंखों के सामने जो हो रहा है उनके बारे में कुछ पता नहीं We have knowledge of Mars and Jupiter and what not. और देखिए हमें हमारे पास ज्ञान है जुपिटर और दूसरे सभी ग्रहों के बारे में We have reached farthest parts of different planets. और देखिए जैसे हम कहें mining meteors now in the skies. और देखिए in space. और क्षितिज में ब्रह्मांड में और देखिए अन्य yes. उपग्रह तक हमारी पहुंच हो गई है But we cannot wish our neighbors, we cannot greet our own people. लेकिन हमारे जो पड़ोसी हमारे जो सगे संबंधी उन्हें हम बधाई नहीं दे सकते शुभकामनाएं नहीं दे सकते Wisdom is missing. बुद्धि की कमी है My friend, दोस्तों please, I want to tell you. और कहते हैं आपसे Pastor, I am such a learned man. Why am I not getting a breakthrough? My friend, praise God for your knowledge. Praise God for your ability. But what you are not doing is you are not walking in wisdom. और पासवान जी मैं इतना शिक्षित हो तो मुझे बड़ा आश्रम क्यों नहीं मिल रहा है देखिए परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके ज्ञान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो गुण और काबिलियत के लिए लेकिन जरूरी है कि आप परमेश्वर की बुद्धिमानी में चलें How David must have walked in the palace. और कैसे राजमहल में दाऊद चला होगा He must have been a fast learner. और वो बहुत तेज और शीघ्रता से सीखने वाला व्यक्ति रहा होगा That brought the favor of the king upon him. He was noticed. और इस बात ने देखिए उस राजा के अनुग्रह की दृष्टि को दाऊद पर ले आया और उस पर गौर किया गया How do you use your time? कैसे आप अपना समय इस्तेमाल करते हैं How do you use your finances? कैसे आप अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं Do you manipulate? क्या आप चलबाजी करते हैं Many people think, oh, I'll just talk something and that fellow will be fooled. No, my friend. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैं थोड़ा ऐसा सा कुछ बोल दूंगा चालाकी से बातें कर दूंगा और वो व्यक्ति मूर्ख बन जाएगा नहीं दोस्त Everybody is not a fool. हर कोई मूर्ख नहीं People will know this man is not to be trusted. और लोग जान जाएंगे कि इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता When you walk in wisdom, लेकिन जब आप बुद्धिमानी में चलते हैं When you follow the principles of the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांत का पालन करते हैं यही तो बुद्धिमानी में चलना है People will see that. लोग इस पर गौर करेंगे And then the favor of God And man will come upon your life. फिर उसके बाद परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ यह भलाई आपके जिंदगी पर आएगी। This is a very vital principle. यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Look at Joseph's life. यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें। I'm sharing these examples because this is in scripture. और देखिए यह उदाहरण आपके साथ बांट रहे हैं क्योंकि वचनों में यह सब दर्ज है। The Bible says these are our examples and they were written for our admonition. और देखिए बाइबल में इस तरह से लिखा गया कि यह सब हमारे उदाहरण के लिए है और यह हमारी चेतावनी के लिए लिखे गए हैं। Genesis 39 and verse 21. चले निकाले उत्पत्ति का 39वां अध्याय है उसका 31वां वचन He sold as a slave by his own brothers. और अब देखते हैं कि उसके सगे भाइयों ने ही उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया He's come from Israel. He's come to Egypt now. और देखिए अब वो इज़राइल से निकलकर मिस्र में आ जाता Far away from his family. अपने परिवार से कोसों दूर Far away from everything. He doesn't even know the language perhaps. और हर एक चीज से कोसों दूर और यकीनन वहां की भाषा भी उसे नहीं आती होगी He's working in an Egyptian's house. और एक मिस्री व्यक्ति के घर में काम करता है There that woman over there tries to seduce him aur wahan ki aurat jo hai koshish karti hai use bharmane ki fasane ki and he says no aur wo kehta hai nahi I can't do this evil thing with you aur ye gande aur buri kaam ko main tumhare sath nahi kar sakta and because of that aur iske wajah se he's thrown in the prison use jail mein dal diya jata hai for maintaining his purity he's thrown in the prison apne shuddhata aur pavitrata ko banaye rakhne ki wajah se use jail mein dala jata hai prison is not a very good place aur ek jail jo hai achhi jagah nahi hai but see what the scripture says lekin dekhiye vachan kya kehta hai the lord was with joseph मगर प्रभु यूसुफ के साथ The presence of God was with Joseph. प्रभु की उपस्थिति यूसुफ के साथ And because of that, और इसके वजह से, he says he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. और इसके वजह से ऐसा होता है कि बंदीगृह के दारोगा की अनुग्रह की दृष्टि यानी भलाई की नजर यूसुफ पर हुई Joseph had the presence of God with him. यूसुफ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी He had favor with God. परमेश्वर के साथ उस पर भलाई थी Now because he walked in with wisdom, और अब क्योंकि वो बुद्धिमानी में चला he found favor with man also. यहाँ पर आप देखते हैं कि मनुष्य की ओर से भी उस पर भलाई हुई He became the assistant over there to manage all the prisoners. और दरअसल वो वहाँ उस दरोगा का सहायक ही बन गया सभी कैदियों को संभालने के लिए My friend, मेरे दोस्तों, today you must lift your hand and pray. आज आपको अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करना चाहिए कहे हे परमेश्वर Thank you for the ability you have given me. धन्यवाद उन काबिलियतों के लिए जो आपने मुझे दे रखा But Lord, I need your wisdom. लेकिन प्रभु मुझे आपकी बुद्धि चाहिए What to speak, when to speak, Lord. क्या बोलना है और कब बोलना है How to move, oh God. कैसे बढ़ना है How to lead people, oh God. कैसे लोगों की अगुवाई करनी है
rare gift from the Lord. ये परमेश्वर से मिलने वाला दुर्लभ वरदान है. Many years ago, कई साल पहले, I met this great man of God called Uncle D.J.S. Dinakaran. परमेश्वर के एक महान जन अंकल D.J.S. Dinakaran जी से इनकी मुलाकात हुई. He was in this city in Indore. इंदौर में एक शहर में थे पासवान जी. And he spoke. और उन्होंने कहा. And he said. उन्होंने कहा. If you can have the wisdom of God in your life. अगर परमेश्वर की बुद्धि तुम्हारी जिंदगी में होगी. Whatever you do. तो जो कुछ भी तुम करते हो. Shine. वो चमक उठेगा. बढ़ेगा. When I heard this. जब मैंने ये सुना. This great man of God speaking. परमेश्वर के महान जन जो कह रहे हैं. Lord, I need your wisdom. मैंने कहा प्रभु मुझे आपकी बुद्धि चाहिए. Friends, दोस्तों, you may not be a very learned person. शायद हो सकता है कि आप बड़े पढ़े लिखे या शिक्षित व्यक्ति ना हो. When that wisdom of God comes, लेकिन जब वो परमेश्वर की बुद्धि आती है, what you write will touch them. जो कुछ भी आप लिखेंगे राष्ट्रों को छुएगा. What little you do, जो थोड़ा भी आप करेंगे, will become a blessing to thousands. हजारों के लिए आशीष बनेगा. I'm telling you, मैं कहता हूँ, today lift your hands and say, Oh God, give me your wisdom. आज अपने हाथ उठाकर कहे, हे परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे. Give me your wisdom, oh God. मुझे तेरी बुद्धि दे. How to move with people? How to interact with people? कैसे लोगों के साथ बढ़ना है? कैसे लोगों के साथ बर्ताव और व्यवहार करना है? There are people, ऐसे लोग हैं, who are very talented, जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, but they don't know how to interact with people. लेकिन लोगों से वार्तालाप कैसे करना है? बर्ताव कैसे करना नहीं चाहते. I'm sorry to say, माफी चाहते कहने के लिए. It's really sad. और बहुत ही दुख की बात है. Such talented fellows. इतने बड़े प्रतिभाशाली लोग. My goodness. बहुत ही खराब. But they don't know to interact with people. लेकिन लोगों से बर्ताव करना या व्यवहार करना What नहीं आता. What is the problem? समस्या क्या It's है? It's a wisdom failure. ये बुद्धि की कमी है. You, when you do this, जब आप ये करते you cannot operate in the favor of God. आप परमेश्वर की भलाई में काम नहीं कर you पाएंगे. You cannot operate with favor with man. और देखिए आप मनुष्य की ओर से भी भलाई में काम नहीं कर पाएंगे. Make it a point daily and say, I want your wisdom. O God, in my speech, in my actions, the way I manage time, the way I manage finances, the way I interact with people. And let me tell you, start praying this, you'll see a change. And within a week, you'll see changes happening in every part and area of your life. आप हर दिन के लिए इस बात को पक्का कर लीजिएगा कि आप परमेश्वर से मांगेंगे कि हे परमेश्वर मुझे तेरी बुद्धि दे ताकि मैं लोगों के साथ और ताकि yes. मैं अपने पैसों के क्षेत्र में ताकि अपने जिंदगी के हर एक क्षेत्र में मैं बुद्धिमानी से चल सकूं लोगों के साथ बर्ताव कर सकूं और आपको बता दे बात हफ्ते भर के दौरान ही देखिए परमेश्वर की भलाई में आप चलने लग जाएंगे. The Bible doesn't talk about the beauty and the handsomeness of Joseph. It says, but it is not connected to the favor of God. और देखिए बाइबल में यहाँ पर यूसुफ के रूपवान होना या आकर्षण होना इसके बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ दर्ज तो है लेकिन इसके वजह से परमेश्वर की भलाई उस पर नहीं आई थी. So it is not because of our beauty, of our handsomeness and how good looking a person is. It, you know, it's not because of that. But you see, it does not matter. The favor of God will bring you into favor with man also. और देखिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि आपके पास अच्छी खूबसूरती हो या रंग रूप हो या आकर्षकपन हो इसके वजह से आप मनुष्य की भलाई में आएंगे. नहीं 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 परमेश्वर की भलाई जब आपकी जिंदगी में आती है यही आपको मनुष्य की ओर से भी भलाई को दिलाएगी. Somebody shout, I receive this favor in Jesus' name. कोई तो चिल्लाए इस भलाई को मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में. Hallelujah. Say, Oh God. कहे हे परमेश्वर. I ask you for your divine wisdom in my life. Begin to pray. Begin to pray. मैं आपसे मेरे जीवन में दैवीय बुद्धि को मांगता हूँ. प्रार्थना करना शुरू करें. I need this favor. प्रभु मुझे ये बुद्धि चाहिए. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में. In the holy name of Jesus. यीशु के पवित्र नाम में. Oh God. हे परमेश्वर. From now on. अब से. The way I speak, Lord. जिस तरीके से मैं बोलूँगा. The way I do things, Lord. जिस तरीके से मैं चीजों करूँगा. The way I interact with people, Lord. जिस तरह से मैं लोगों के साथ व्यवहार करूंगा. I need your wisdom, oh God. मुझे आपकी बुद्धि चाहिए प्रभु. Uproot this foolishness from my life. इस बेवकूफी को मेरी जिंदगी से उखाड़ दे. It will transform your marriage. या आपकी शादी जिंदगी को बदल देगा. It will transform your company. या आपकी कंपनी को बदल के रख देगी. It will transform your ministry. या आपकी सेवकाई को बदल के रख देगी. Hallelujah. गाय हालेलुया. Are you listening right now? सुन रहे हैं. People don't want a foolish fellow around you, you know. लोग जो है अपने आसपास बेवकूफ व्यक्ति को नहीं चाहते. ये बहुत जानता है लेकिन बात करने को नहीं आता है. Foolish thing. ये एक बेवकूफी की चीज है. But if you may be a person with ordinary skills. लेकिन हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें बस छोटी मोटी कोई गुण हो प्रतिभा हो. When you're walking in the wisdom of God. लेकिन जब आप परमेश्वर की बुद्धि में चलेंगे. Oh, I tell you. ओ कहते हैं आपसे. Everything will change. सब कुछ बदल जाएगा. Today begin to pray. आज प्रार्थना करना शुरू करें. Lord have mercy on me. कहें कि प्रभु मुझ पर दया करें. I have walked in arrogance, oh God. और प्रभु मैं आक्रामकपन मैंने अपनाया है. Lord forgive my pride. लेकिन मेरे घमंड को क्षमा करें. But today. लेकिन आज. I bow before you. मैं आपके सामने झुकता हूं. And ask you for wisdom. और आपसे बुद्धि मांगता हूं. My friends. मेरे दोस्तों. Sometimes. कभी-कभी. You see the people who are favored. आप देखते हैं वे लोग जिन पर भलाई होती है.
they're walking in the wisdom. That's why the favor is on them. You can see it. और देखिए वे परमेश्वर की बुद्धि में चलते हैं, इसी वजह से देखिए उनके ऊपर भलाई होती है, आप देख सकते हैं. Will happen to you. ऐसा होगा आपके साथ. May God's favor rest upon you in the name of Jesus. परमेश्वर की भलाई आप पर ठहर जाए यीशु के नाम. Let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते हैं. Go to Acts chapter 2 and verse 47. चलिए निकालेंगे इससे प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 47वां वचन. Praising God and having favor with all the people. और देखिए वचन में लिखा और वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोगों का अनुग्रह उन पर होता था. I like the word all the people. और शब्द यहां पे जो बहुत पसंद आया सभी लोगों का. How about this that we find favor not with some people with all the people in Jesus name. और क्या come on, होगा come on, come कि देखिए जब हमको कुछ ही लोगों का नहीं लेकिन सभी लोगों का अनुग्रह मिले. Notice over again it says praising God and having favor with all the people. So the presence of God attracts the favor of God and his people and the people. और देखिए यहां पे वे परमेश्वर की स्तुति करते थे इस वजह से परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी. और गौर करें परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ होने के कारण सभी लोगों का अनुग्रह भलाई भी उन पर होता था. And the Lord added to the church daily those who were being saved. और आगे वचन में लिखा और जो लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु हर रोज उनमें मिला देता था. Do you want your ministry to grow? क्या आप चाहते हैं आपकी सेवकाई बढ़े? Do you want your church to grow? आप चाहते हैं आपकी कलीसिया बढ़े? Then you need the favor of God upon your life. तो जरूरी है कि आपके जिंदगी पर परमेश्वर का अनुग्रह और भलाई हो. Attract people towards you. ये लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी. Church growth is connected with the favor of God. कलीसिया की उन्नति जो है, कलीसिया की वृद्धि जो है, परमेश्वर की भलाई से जुड़ी हुई है. The favor of God must be upon our lives. परमेश्वर की भलाई हमारी जिंदगी पर होनी चाहिए. That will bring people close to the Lord. और यही बात लोगों को परमेश्वर के करीब ले आएगी. They will receive salvation. वे उद्धार को पाएंगे. I'm telling you, nobody wants to see a bad witness. देखिए कोई भी एक बुरे गवाह को नहीं देखना चाहता. They want to see God working in people's lives. और वे देखना चाहते कि परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम करे. May you be an advertisement of the glory of God in Jesus name. Hey, परमेश्वर की महिमा के इश्तेहार बन जाएं यीशु के नाम में. चले घर करें. I am an advertisement of the glory and the favor of God wherever I go. Hallelujah. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें जहां कहीं भी मैं जाता हूं परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की महिमा का मैं इश्तेहार हूं. Say wherever I go. कहें जहां कहीं मैं जाता हूं. The favor of God will follow me. परमेश्वर की भलाई मेरे पीछे आएगी. Say wherever I go. कहें इस वक्त जहां कहीं मैं जाता हूं. The favor of God will follow me and my family in the name of Jesus. परमेश्वर की भलाई मेरे पीछे आएगी यीशु के नाम में. बोलिए the work of my hands. बोलिए मेरे हाथों का काम. Will attract the favor of God. परमेश्वर की भलाई को आकर्षित करेगी. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Say oh Lord. कहे प्रभु. Establish the work of my hands with your favor. तेरी भलाई के साथ मेरे हाथों कामों को स्थापित कर. I tell you. You may be a poor widow watching me. भले आप कोई गरीब विधवा जो देख रही हो. When you start doing something. जब आप कुछ करना शुरू करेंगे. It may be cakes. It may be pickles. I don't know what. It may be food. Something or that. It will attract the favor of God and the favor of man in the name of Jesus. Lift your hand and say I receive it in Jesus name. चाहे कोई छोटा मोटा ही आप धंधा शुरू करते हैं केक बनाने का या फिर अचार बनाने का. देखिए जब परमेश्वर की भलाई आप पर आएगी ये लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी. It will grow. ये बढ़ेगा. Your business will grow. आपका व्यवसाय बढ़ेगा. Somebody say I receive this word in the name of Jesus. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं. Go to Acts chapter 7. चलिए निकाले प्रेरितों के कामों की पुस्तक 7वां अध्याय and verse 10. Yeah. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 10वां वचन. And it says and delivered him out of all his troubles. Wow. और आगे में लिखा wow. और उसे उसके सब मुसीबतों से छुड़ा कर. How about that the Lord will deliver us out of all our troubles. इतना अच्छा होगा ना कि परमेश्वर हमें हमारे सब मुसीबतों से छुड़ाए. And gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh king of Egypt and made him governor over Egypt and all his house. और आगे लिखा है मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की और उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर हाकिम नियुक्त किया. This is speaking about God working in Joseph's life. It says gave him favor and wisdom. Notice favor and wisdom again going together. और देखिए यहां पर दर्शाया जा रहा है वो दृश्य यूसुफ के जिंदगी परमेश्वर काम कर रहा है. देखिए यहां पे अनुग्रह और बुद्धि दोनों की चर्चा हुई. And notice over it says again, Pharaoh king of Egypt made him governor over Egypt. फिरौन जो कि मिस्र का राजा था उसने यूसुफ को पूरे मिस्र पर हकीम ठहराया. Can I tell you something? आपसे कुछ कह सकते हैं? The favor of God is coming upon you. परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर आ रही है. You are going to a new level. आप एक नए स्तर में जा रहे हैं. You can when the favor of God comes on you. जब परमेश्वर की भलाई आप पर आती है. You cannot stay on the same level. आप उसी स्तर में नहीं रह सकते. Whichever job you are on. जिस किसी नौकरी में भी आप कार्यरत हैं. You are going higher. आप ऊंचे स्तर में जा रहे हैं. I'm in authority, in finance, in something. It will be always going higher. और चाहे अधिकार की Come बात on. हो या फिर आप on, पद की बात हो, जो कुछ भी हो, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जा रहा है. Lift your hand and shout a hallelujah. Let me go further.
further in the word right now. चलिए वचन में आगे जाते हैं. Go to Psalm 30 verse 5. चलिए निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 30 उसका पांचवा वचन. For his anger is but for a moment. क्योंकि उसका क्रोध तो पल भर का होता है. But his favor is for life. लेकिन उसकी भलाई जीवन भर की होती है. Favor is not just for a day. और उसकी भलाई बस एक दिन के लिए नहीं. Favor is not for a week. उसकी भलाई बस एक हफ्ते के लिए नहीं. नहीं एक महीने के लिए. Not for a year. नहीं एक साल के लिए. Can I tell you? क्या आप कह सकते? Till now in 2020 so many things happened. और देखिए अभी इस 2020 में अभी तक बने हुए कई सारी चीजें घटी. But can I tell you something? क्या आप कह सकते? The favor of God will overtake you in 2021. परमेश्वर की भलाई इस 2021 में आपके ऊपर हावी हो जाएगी. His favor is for life. उसकी भलाई जीवन भर की है. Say, Lord, your favor is for life. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु तेरी भलाई जीवन भर की है. Today you are a young man. आज आप एक नौजवान युवक हैं. When you become an adult man. जब आप वयस्क व्यक्ति बनेंगे. Oh, that favor will still be with you. लेकिन तब भी परमेश्वर की भलाई आप पर बनी रहेगी. You will remember the scripture which I spoke. इस वचन को जो हमने कहा है आप याद His रखेंगे. His favor is for life. उसकी भलाई जीवन भर की है. Lift your hand and say, Lord, your favor is for my entire life. अपने हाथ उठाकर बोलिए प्रभु आपकी भलाई मेरे पूरे जीवन भर की है. Favor surrounds every person watching today in the name of Jesus. आपकी भलाई हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं उनको घेर ले यीशु के नाम में. In the name of Jesus, let satanic power break over your life in the name of Jesus. शैतानी शक्ति आपकी जिंदगी में से टूट जाए यीशु के नाम में. So today you must understand that this favor is not just only when you're going for an interview. This is not only going, you know, for some small things here and there. His favor is for life. और देखिए उसकी भलाई जो है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तभी नहीं, उसकी भलाई तभी भी नहीं है जब आप यहाँ वहाँ छोटा मोटा करते काम करते हैं. नहीं 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 उसकी भलाई पूरे जीवन भर के लिए है. Amen. All right, let me go further right now. आगे बढ़ते हैं. Psalm 5 and verse 12. वचन संहिता अध्याय 5 उसका 12वां वचन. For you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround them as with a shield. क्योंकि तू हे प्रभु धर्मी को आशीष देगा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर लेगा. The last thing which I want to tell you is this. और आखिरी चीज जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये है. This favor of God. परमेश्वर की भलाई. Protect you from sickness, from accidents, from injuries, from losses. परमेश्वर की ये भलाई जो है आपको बीमारी से, रोग से, एक्सीडेंट से, नुकसान से बचाए रखेगी. But it will act like a shield around you. जब ये आपके चारों ओर एक ढाल जैसा काम करेगी. Today this favor I pray be activated in your life in Jesus name. और आज ये भलाई प्रार्थना करते हैं कि आपके जिंदगी में कार्यशील हो जाए. Come on, receive it. How many of you receiving it right now? चलिए ग्रहण करें. कितना ग्रहण करें. Say the favor of God. Say it after me. चलिए बोलिए परमेश्वर की भलाई surrounds me. मुझे घेरे लेती है. Surrounds my family members. As a shield. ढाल जैसे. Keep saying it. Keep saying it. बोलते रहे. Say the favor of God surrounds me, surrounds my family members as a shield. Therefore, no sickness, no disease, no infirmity, no accidents, no injuries will touch our lives. The shield of God surrounds us in the name of Jesus. Somebody shout hallelujah. That is the favor of God. It will not only produce financial miracles and other things and growth and all that. It will also bring protection upon your life. और देखे ये सिर्फ आपके पैसों के क्षेत्र में उन्नति और बाकी सारी चीजें ही नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके जिंदगी में सुरक्षा को भी लेकर आएगी. That's what angel visited Daniel. आप देखते जब स्वर्गदूत आकर दानियल से मिला. It says highly beloved, highly favored one. और देखे आकर उसने दानियल को ऐसा संबोधित किया, हे अति प्रिय युवक. Highly favored one. और अति अनुग्रह पाया हुआ प्रिय व्यक्ति. This favor protected Daniel in the lion's den. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की इसी भलाई ने दानियल को सुरक्षा प्रदान किया. No उस सिंह की मांद में. Power will come near your home because the favor of God is upon your home. Speak it in the name of Jesus. और बोलिए कोई say, भी शैतानी शक्तियां आपके घर के करीब नहीं आ सकेंगी क्योंकि परमेश्वर की भलाई आपके घर पर है. Somebody say thank you Jesus. कोई तो कहे धन्यवाद. Maybe you're watching me for the first time. शायद हो सकता है पहली बार हमें देखें. Can I tell you sir, madam, listen to me carefully. कह सकते हैं ध्यान से सुनिए. The favor of God will surround you and everything that is of you as a shield. The shield of God will surround it in the name of Jesus. परमेश्वर की भलाई आपको घेरे रहेगी और जो कुछ भी आपका है सब कुछ परमेश्वर की भलाई की ढाल घेरे रहेगी. I want to tell you how the favor of God can be activated in your life. आपको बताना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर की भलाई आपकी जिंदगी में सक्रिय हो सकती है. First thing. पहली चीज. Prayer will activate the favor of God. प्रार्थना करना परमेश्वर की भलाई को आपके लिए सक्रिय बनाएगा. I told you. आपको बताया. It will attract the presence of God. यह परमेश्वर की
स्थिति को आपकी ओर आकर्षित करेगी। Subsequently, the favor of God will start manifesting in your life. और साथ ही परमेश्वर की भलाई आपके जिंदगी में प्रकट होने लगेगी। The second thing, how to attract or activate the favor of God in your life. और दूसरी चीज की कैसे आप परमेश्वर की भलाई को अपने जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं या सक्रिय बना सकते हैं? Is to ask the Lord for wisdom and to walk in His principles. और ये है कि आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगे और उसके सिद्धांतों में चलें। That will bring you favor with God and man. और यही आपको परमेश्वर की ओर से और मनुष्य की ओर से भलाई को दिलाएगी। Now the third thing, how to activate the favor of God. Now please understand, what do I mean by activating? और सक्रिय बनाना इसका मतलब क्या है? The favor of God is available to us through Jesus Christ. परमेश्वर की भलाई यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है। But it should manifest in your life. लेकिन ये आपकी जिंदगी में प्रकट होना चाहिए। Now watch this. अब गौर करें। Now see, salvation is available to us. और देखिए उद्धार हमारे लिए उपलब्ध है। Jesus died. Jesus finished His work. यीशु क्रूस पर मरा और अपना काम उसने पूरा किया। But what activates the salvation for us is this. How do we receive it? Romans 10 verse 10 says, "For we confess with our mouth and we believe in our heart." Once we do that, the salvation of God is in our life. और देखिए परमेश्वर का उद्धार हमारे लिए बिल्कुल उपलब्ध कराया गया, लेकिन कैसे हम उसे अपने जीवन में सक्रिय बनाते हैं? रोमियो के पत्र 10वां अध्याय 10वें वचन में लिखा है कि जब हम अपने मुंह से कबूल करते हैं यीशु मसीह को और परमेश्वर ने इसे मरे में से जिलाया, जब हम इसे कबूल करते हैं और विश्वास करते हैं अपने हृदय में, तो हम इस उद्धार को अपने जीवन में सक्रिय बना लेते हैं। गौर करें वचन को, कन्फेस विद योर माउथ, अपने मुंह से अंगीकार करना, बिलीव इन योर हार्ट, अपने दिल में विश्वास करना, यू रिसीव, यू आर सेव्ड, और आप उद्धार पाकर आप बच जाएंगे। रीड दैट वर्स, उस वचन को पढ़िएगा। इन द सेम वे, उसी तरीके से यू मस्ट यूज योर माउथ टू कन्फेस the favor of God upon your life, upon your family, in the name of Jesus. आपको अपने मुंह का इस्तेमाल करना है परमेश्वर की भलाई को अंगीकार करने के लिए अपने जीवन पर, अपने घर परिवार पर यीशु के नाम में। When you do that, church, जब आप ये करते हैं कलीसिया, you will listen to me. सुनिए हमारी। Don't miss what I have about to say. जो अभी हम कहने पर उसे चुकेगा नहीं। You know, many times, बहुत बार, God will send you a message that you needed the most. देखिए परमेश्वर आपको वो संदेश भेजेगा जिसको आपको सुनने की सख्त जरूरत है। But many people, they say, this is what is this? लेकिन लोग झिड़कते कहेंगे, अरे ये क्या है? Now listen to me. Every day, हर दिन, I want you to say this now. चाहते कि आप ये बोलिएगा। The favor of God surrounds me as a shield. Please listen to this. और सुनिए ध्यान से। आपको कहना होगा कि परमेश्वर की भलाई मुझे ढाल जैसे घेरे रहती है। You are speaking protection. आप सुरक्षा को बोल रहे हैं। Second point. दूसरी चीज़। In that only, the favor of God surrounds my family members as a shield. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? आपको दूसरी बात कहना है कि परमेश्वर की भलाई मेरे परिवार के लोगों को घेरे रहती है। You are confessing the favor of God. आप परमेश्वर की भलाई का अंगीकार कर रहे हैं। Say the favor of God is upon the work of my hands. अब तीसरा बात, आपको कहना है कि परमेश्वर की भलाई मेरे हाथ के कामों पर है। Say the third one. तीसरा, the wherever I go, जहां कहीं मैं जाता हूं, the favor of God follows me. परमेश्वर की भलाई मेरे पीछे पीछे आती है। David understood this. दाऊद इस बात को समझा। And he said, surely goodness and mercy shall follow me not just one day, not on Sunday, Monday, but all the days of my life. Hallelujah. दाऊद इस बात को समझा, इसलिए उसने कहा, यकीनन परमेश्वर की भलाई मेरे पीछे पीछे आती रहेंगी, सिर्फ एक या दो दिन नहीं, मगर मेरे पूरे जीवन भर। May God make it happen for you. परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए भी संभव बनाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody lift your hands and shout hallelujah.